हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन, सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न की सीरीज में आज हम सीखेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और हैमर जैसा दिखता है। आई होप आप लोगों ने जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पिछले वीडियो को जरूर देख लिए होंगे। पिछला वीडियो मतलब दोस्तों, मैं कैंडलस्टिक पैटर्न के सीरीज में ही ये चार वीडियो ऑलरेडी आप लोगों के लिए शेयर किए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन वीडियो को देख लिए होंगे। इस पे आपको हैमर का, शूटिंग स्टार का, इन्वर्टेड हैमर का और हैंगिंग माइन का वीडियो मिलेगा, ठीक। इसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में मैंने 13 वीडियो शेयर किए हैं, इसे भी देख लीजिए, जिसमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ठीक है, डबल बॉटम, डबल टॉप, मल्टीपल बॉटम, मल्टीपल टॉप, इस तरीके के जो बेसिक चीज़ें हैं मैं उनमें बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए क्लियर किए हैं। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं, बिगिनर हैं, तो आप लोगों के लिए मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लगातार शेयर करता हूं, डेली एनालिसिस वीडियो भी शेयर करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसे लर्निंग वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। तो दोस्तों, समझते हैं सबसे पहले ड्रैगन फ्लाई डोजी। देखिए, जैसे आप लोगों ने अगर पिछले वीडियो को देखे होंगे तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन लगभग सबका एक जैसा होता है। एक डाउन ट्रेंड होता है, दूसरा अप ट्रेंड होता है। डाउन ट्रेंड के बाद बुलिश पैटर्न बनता है और अप ट्रेंड के बाद बेरिश पैटर्न बनता है। जहां से कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं वहां से ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन मिलता है। एक्टिव होने पर बाइंग का ट्रेड लेते हैं। सिंपल सा सभी कैंडलस्टिक पैटर्न में यही फॉर्मेशन है, राइट। तो अभी कैंडलस्टिक पैटर्न का आपको सिंबल्स सबसे पहले पहचानना है कि ये किस तरीके से दिखता है। जैसे ये क्या है, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है। ये जैसे हैमर है दोस्तों, आपने हैमर का वीडियो देख लिए होंगे, हैमर जैसे ही दिखता है, ठीक है, ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ओके। अगर बुलिश कैंडल है, ग्रीन हो तो मच बेटर, अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, इसमें क्या है, इसमें बॉडी नहीं है, ओके। आई होप आप चीजें समझ गए होंगे। तो मैं आपको एक चार्ट बना के बताता हूं, ठीक है। पहले देखिए, क्योंकि बुलिश कैंडल है हमेशा डाउन ट्रेंड में बनेगा, ओके, पहले इसे नीचे आने दीजिए। कलर चेंज करता हूं मैं कैंडल का, ठीक, पहले नीचे आएगा, एक अच्छा डाउन ट्रेंड हो। देखिए, जितना अच्छा डाउन ट्रेंड होगा उतना अच्छा ट्रेड मिलेगा, ठीक है। इसलिए पहले अच्छा डाउन ट्रेंड फाइंड आउट कीजिए। तो जितना अच्छा डाउन ट्रेंड आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ढूंढेंगे, उतना अच्छा ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड मिलेगा। तो अगर अच्छा गिरावट आया है तो आपको अच्छा अप ट्रेंड भी मिलेगा, उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, अच्छा टारगेट मिलेगा। तो एक अच्छा डाउन ट्रेंड ऐसे आ जाए, ठीक है। अच्छे का मतलब क्या, मतलब 10% 12%, अगर आप डेली चार्ट में देख रहे हैं, इंट्राडे में देख रहे हैं तो कम से कम 2% 1.5% ऐसा, ओके। तब तो कम से कम 2% 1.5% इंट्राडे में रिवर्स करेगा, और डेली चार्ट देख रहे हैं तो कम से कम एक सप्ताह दो सप्ताह में 10-12% का मूवमेंट आ जाए अपसाइड डाउन साइड, ठीक है, महीना दिन में, ओके। तो जैसे मान लो दोस्तों कि कोई 1000 का स्टॉक है, ओके, ये गिर के आ गया है 900 के आसपास, ओके, एग्जिट नहीं हो सकता लेकिन 900 के आसपास। इतना गिरावट के बाद आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बने। वो बुलिश कैंडल कैसा, चूंकि आज हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, जिसमें बॉडी नहीं होता है, ऐसा बनना चाहिए, ठीक है। तो इस ट्रेंड में, बातों को अच्छे से ध्यान से समझिए, इस ट्रेंड में सबसे बड़ा लो इस कैंडल का होगा। किसका होगा, जो हम यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी मार किए हैं, ठीक है। इस कैंडल का लो सबसे बड़ा लो होगा, ओके। इधर का किसी कैंडल का लो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इस पैटर्न को आप कंसीडर कीजिए। दूसरा, जब ऐसा कैंडल बन जाए, यहां पर हमारा काम नहीं हुआ है। कैंडलस्टिक पहले, सबसे पहले ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट करता है, मतलब दर्शाता है, बट प्राइस एक्शन पैटर्न बनने के बाद वो एक्टिवेट माना जाता है। तो प्राइस एक्शन पैटर्न कैसे, जैसे मान लो ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गया, अगला कैंडल ऐसा भी होके मान लो रेड कैंडल बन के नीचे भी जा सकता है, ऐसा हो सकता है कि नहीं, यस और नो, हो सकता है, ठीक है। आप समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो अगला कैंडल ड्रैगन फ्लाई डोजी बनने के बाद अगला कैंडल ऐसे बनना चाहिए। प्रीवियस कैंडल के हाई को, इस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट करना चाहिए, ठीक है। अगर प्रीवियस कैंडल का हाई 910 है तो ये वाले कैंडल
ड्रैगन फ्लाई डोजी के बाद बनने वाला कैंडल 910 के प्लस होना चाहिए, तब आप बाइंग कर लीजिए। इसमें बाइंग का ट्रेड बनता है, ठीक। और इसका ड्रैगन फ्लाई डोजी के लो का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ठीक है। ऐसे आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। अगर दोस्तों आप इसमें डेली चार्ट देखे हैं, डेली चार्ट फाइंड आउट किए हैं, तो आपका टारगेट जहां से डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई है वहां तक मिलना चाहिए, ठीक है, मिलना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, ये बीच में कोई बेरिश रिवर्सल पैटर्न बन जाता है, तो वहां से स्टॉक वापस रिटर्न भी कर जाता है। तो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को आप देखिए, ठीक है। जैसे मैंने शूटिंग स्टार डाला है या हैंगिंग मैन का वीडियो डाला है, आने वाले दिनों में ग्रेवस्टोन डोजी का वीडियो डालूंगा, ठीक। इसके बाद ग्रेवस्टोन डोजी का वीडियो मिलेगा आपको, ठीक है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न का अभी लगातार सीरीज आपको अवेलेबल होगा। दोस्तों मैं ये सीरीज जून में ही शुरू किया था लास्ट ईयर, लेकिन बीच में मैंने लाइव ट्रेडिंग शुरू किया है अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो पूरा दिन मैं लाइव में रहता हूँ 6 घंटा, ठीक। तो उस पर मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, सुबह क्लास है, शाम क्लास है। अभी भी वीडियो बना रहा हूँ तो 11:30 होने वाला है रात, ठीक है। अपलोड करूंगा और रात होगा, तो समय के अभाव के कारण मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया हूँ। अब इसे मैं कंटिन्यू करूंगा ताकि वीकेंड में 2-3 ऐसे लर्निंग वीडियो मिल जाए, तो आपका लर्निंग भी चलता रहेगा, सीखते भी रहेंगे और थोड़ा थोड़ा कमाते रहेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आप सीख रहे होंगे। दोस्तों देखिए, स्टॉक मार्केट में अगर आप आए हैं तो सीखिए, क्योंकि टिप्स से पैसा तो मिलेगा नहीं, ये आप भी जानते हैं, ठीक है, और मैं तो जानता ही हूँ, ठीक, ओके। तो जो सीखेगा दोस्तों उसको पैसा मिलेगा। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे आपका स्टॉप लॉस कहाँ है, आपका एंट्री कहाँ है, ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक। और टारगेट कहाँ तक है, टारगेट जहाँ से डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई है यहाँ तक टारगेट मिलना चाहिए। तो मान लो दोस्तों कि यहाँ पर आपका 10 पॉइंट का एसएल है, ठीक है, मतलब 1% के आसपास का एसएल, और 100 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है, 1000 तक जा रहा है, तो 8-9% का बड़ा इजी तरीके से ट्रेडिंग में प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है, एक स्विंग ट्रेडिंग में, अगर आप इसमें स्विंग में कर रहे हैं तो। उसी तरीके से अगर आप दोस्तों इसमें स्विंग के लिए आप क्या चार्ट देखें, डेली चार्ट प्रेफर करें, ठीक है, ईओडी चार्ट प्रेफर करें। अगर इंट्राडे देख रहे हैं, ठीक है, इंट्राडे में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट को फॉलो करिए, और ऐसे ही एक अच्छा डाउन ट्रेंड देखिए, ठीक, और फिर बॉटम में इस टाइप का बुलिश कैंडल बने तो आप बाइंग क्या कोशिश करिए। जब एक्टिवेट इस प्रीवियस कैंडल के ऊपर चले जाए तब आप इंट्राडे में इतना बड़ा रिवर्सल नहीं देख सकते, उम्मीद ना करें, लेकिन इंट्राडे में दोस्तों 1:2 का टारगेट बहुत ईजी से मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इंट्राडे में इसका इस्तेमाल करें। मैं अभी कुछ चार्ट्स आपको दिखाता हूं, शो करता हूं, ताकि चीजों को आप अच्छे तरीके से समझ सकें और इसे अप्लाई कर सकें, राइट। चलिए, बहुत पुराना चार्ट आपको नहीं दिखाऊंगा, अभी अभी जो चार्ट्स बने हैं उनमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब भी ये बुलिश पैटर्न डाउन साइड में बनता है, ठीक है, ऐसा ये डाउन साइड में एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, तो यहाँ पर ना सपोर्ट होना चाहिए। सपोर्ट क्या हो, डबल बॉटम हो, मल्टीपल बॉटम हो, स्विंग लो हो, या लाइफ टाइम लो हो, ठीक है, या किसी भी टाइम फ्रेम का 200 EMA हो। किसी भी टाइम फ्रेम का मतलब अर्ली चार्ट में डाउन साइड में 200 EMA हो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 200 दिन का मूविंग एवरेज, ठीक है, 200 दिन का EMA। कई लोग DMA भी फॉलो करते हैं, आप कोई भी फॉलो करिए, ठीक है, इस भाव के आसपास भी कोई बुलिश कैंडल बनता है वो भी बहुत अच्छा ट्रेंड रिवर्सल दिखाता है। आई होप आप यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए मैं कुछ चार्ट दिखाता हूँ आपको फटाफट। दोस्तों आप देख रहे हैं ये है LNT का चार्ट, और लास्ट डे ही बना हुआ है। लास्ट डे का मतलब दोस्तों 19 तारीख के चार्ट में, 19 मार्च के चार्ट में मैं वीडियो बना रहा हूँ 20 तारीख को, ठीक है। देखिए ये कितना बढ़िया कैंडल बना हुआ है, इसके ऊपर हमारा बाइंग होगा। अभी मैं आपको बताया था दोस्तों कि इस कैंडल के ऊपर एक्टिवेट होता है, लेकिन पिछले वीडियो को देखे तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा, मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गया, लेकिन यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ कि अगर प्रीवियस कैंडल, जैसे बुलिश कैंडल बना है, इसके प्रीवियस कैंडल बिग साइज का, ये बिग साइज का है, ठीक है, इसमें हर कैंडल बिग साइज का है, अगर इसमें कोई भी कैंडल एक बिग साइज का होता, ठीक है, ए वाला बिग साइज का होता, ओके, तो आपको एंट्री इसी कैंडल के ऊपर मिल जाता। तो इस कैंडल में एंट्री कैसे करें, इस कैंडल में एंट्री दोस्तों ड्रैगन फ्लाई डोजी वाला कैंडल जो बना है, इसके बाद एक आप इनसाइड कैंडल देखिए, इंतजार करिए आने वाले दिनों को, ठीक है, ऐसे इनसाइड कैंडल बन जाए, फिर जैसे ब्रेकआउट करता है प्राइस दूसरा कैंडल, ठीक है,
तब आप इसमें एंट्री ले सकते हैं स्विंग के लिए। ठीक, छोटा सा स्टॉप लॉस है दोस्तों, अगर आप यहाँ देखें तो स्टॉप लॉस बनेगा आपका 1375 के आसपास का, एंट्री मिल जाएगा आपको 1422-25 के आसपास, और टारगेट क्या मिलेगा दोस्तों अपर साइड में 1600 के आसपास का। तो एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा आपको, 8-10% का बहुत इजी तरीके से ट्रेड मिल जाएगा, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, ये हुआ दोस्तों एलएनटी का। आगे एक आध चार्ट और देखते हैं जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों ये देखिए, ये क्या बना है, देखिए ये हैमर है, इसे हैमर कहते हैं। बहुत माइनर डिफरेंस है ड्रैगन फ्लाई डोजी और हैमर में, इसमें बॉडी है सिर्फ, इसलिए हैमर हो गया, हैमर मीन्स हथौड़ी। और देखिए इसके ऊपर एक्टिवेट हुआ और कितना शानदार आईटीसी चल रहा है, अभी यहां तक जाना है। ठीक है, कितना दिमाग लग रहा है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए, बस चीजों को फॉलो करिए। कई बार क्या होता है, मान लो इसमें ऐसे लग गया था तो अगले बार इसे फॉलो करना लोग भूल जाते हैं, फिर कुछ और स्टडीज ढूंढते हैं, तो इसमें पैसा नहीं मिलता है। किसी भी एक पैटर्न को फॉलो कीजिए और पैसा कमाते रहिए, बहुत शानदार प्रॉफिट इसमें मिलेगा और मिल रहा है अभी भी, अगर आपने पोजिशन बनाए होंगे तो, या आप पहले से जानते होंगे तो, नहीं जानते हैं तो आने वाले दिनों में जो पैटर्न बन रहे हैं उसमें बनाइए। दोस्तों जैसे इसमें देखिए हैमर टाटा मोटर्स, कितना शानदार हैमर बना, यहाँ भी कैंडलस्टिक पैटर्न में बना हुआ है फॉर्मेशन। ये मैंने बताया नहीं इसलिए अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अगर आपको आता होगा तो इसे लॉन्ग लेग डोजी बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक अच्छा ट्रेड दिया हुआ है, ये हैमर बना है, जैसे ये प्राइस, चूंकि ये कैंडल बड़ा है, ठीक है, इसी कैंडल के ऊपर ये बाई हो जाएगा, या फिर एक आध कैंडल इधर इनसाइड हो जाए फिर ये अपर साइड जाए, तो शानदार ट्रेड मिलेगा आपको आने वाले दिनों में। देखिए ये कैंडल भी हमारे लिए शॉर्ट का जबरदस्त है, आने वाले वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, हर प्राइस हर कैंडल आपको एक साइन देता है, बस आपको समझना है उसे और उसमें पोजीशन बनाना है। ठीक है, अब दोस्तों जैसे आरबीएल, आरबीएल में यहां पर नहीं है पैटर्न, ओके, आरबीएल में यहाँ पैटर्न है, बहुत आइडियल चार्ट है। ठीक है, आई होप आप इसे समझ रहे होंगे आप। ठीक है, कितना बेहतरीन चार्ट पैटर्न बना हुआ है। ठीक, मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ इसको, ओके। अब देखिए कितना बेहतरीन चार्ट बना है ड्रैगन फ्लाई का, बस इस प्राइस के ऊपर इसमें बाइंग करना था और कम से कम हम यहाँ तक उम्मीद कर सकते थे, जिस दिन टारगेट डन होना था और बड़ा ब्रेकआउट, तो आप एसएल को यहाँ ट्रेल कर लीजिए और टारगेट को कंटिन्यू कर दीजिए, मतलब ट्रेड को कंटिन्यू कर दीजिए, जहां भी कोई रेड कैंडल बने वहां पोजीशन स्क्वायर अप कर दीजिए। तो यहाँ पर हम चाह कम रहे थे, मिल ज्यादा गया। ठीक है, तो ऐसे ट्रेड को आप बड़ा भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसे पीबीआर लास्ट डे को भी बहुत अच्छा कैंडल बना है, देखिए आप इसे। ठीक है, अच्छा ट्रेड देके जा रहा है, ओके, चलिए, मतलब आने वाले दिनों में ट्रेड बनेगा और अच्छा टारगेट बनेगा, यहाँ तक का टारगेट बनेगा लगभग 1600 के आसपास का। ठीक है, और ये एक्टिवेट होगा 1390 के ऊपर, तो नजर रखिए इसी स्टॉक में भी अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, ओके। पेज इंडस्ट्री दोस्तों यहाँ पर चार्ट नहीं है, इसके पहले चार्ट था, मैं एग्जांपल आपको बताने के लिए इसे यहाँ पर रखा हूँ। तो यहाँ पर भी देखिए कितना बढ़िया ट्रेड दिया है अपर साइड में, आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेंड छोटा है लेकिन टारगेट कितना बढ़िया दिया है। तो आपको इस तरीके से भी मार्केट सरप्राइज कर सकता है, आपको बड़ा ट्रेड दे सकता है, बस आप अपना एसएल को याद रखिए, स्टॉप लॉस सबसे इंपॉर्टेंट है। हर ट्रेड में आपका एक स्टॉप लॉस होगा दोस्तों, और स्टॉप लॉस ही आपको मार्केट में टिका के रखेगा। ठीक है, तो स्टॉप लॉस को आपको फॉलो करना सबसे जरूरी है दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैं इसमें आपको इंट्राडे का चार्ट दिखाता हूँ, बहुत खूबसूरत पैटर्न बना हुआ है लास्ट ट्रेडिंग डे को ही। ठीक है, देखिये बहुत पीछे की बात करना मतलब नहीं है, यहाँ पर देखिए कितना बेहतरीन चार्ट बना हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं टॉप के लेवल से एक अच्छा ट्रेंड मिला है, इसमें डाउन ट्रेंड, अच्छा डाउन ट्रेंड मिला है, और यहाँ पर इंट्राडे में पैटर्न बना है। इंट्राडे में पैटर्न बना है तो इंट्राडे में हम क्या उम्मीद करते हैं दोस्तों, जैसे अब इसमें 359 के ऊपर एक्टिवेट हुआ है, 10-5 पैसा ऊपर रख सकते हैं, और इसका लो है 357। ठीक है, 2 रुपया कैसेल है, हम उम्मीद करते हैं कि भाई इसमें हमें 4-5 रुपया मिल जाता। ठीक है, इतनी उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड बढ़ा दिया है, देखिए कहां तक आया है, यहां तक आया है, आप यहां तक ले सकते हैं। ठीक है, चूंकि यहां से रिवर्सल दिख रहा था, अब पोजीशन कट भी कर सकते हैं इंट्राडे में, क्योंकि इंट्राडे में बहुत फ्लक्चुएशन है। ठीक है, एक प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, दोबारा चांस मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न में फिर से ट्रेड मिला है, ये 5 मिनट का चार्ट है, ऐसे ही 15 मिनट के चार्ट में फाइंड आउट कीजिए, देखिए थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, नजरों को जमाइए, फिर आपको अच्छा पैसा मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारे वीडियोस आपके लिए, मार्केट को समझने के लिए, प्राइस को समझने के लिए काफी हेल्पफुल सिद्ध हो रहा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है
तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। कुछ क्वेरी है दोस्तों तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं पूरा रिप्लाई करने की आपको कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में, तब तक आप सीखते रहिए, कमाते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।